आज गंगापुर सिटी के स्थानीय कवि हनुमान मुक्त विग्र पांडे, अजय विद्रोही कृपा शंकर उपाध्याय और महादेव शर्मा व मनीष माना के 90 वर्ष पर कविता पाठ आयोजन किया जा रहा है, जो कि राखी गरिमा न्यूज चैनल के द्वारा लाइव दिया जा रहा है। सभी कवियों को राखी गरिमा की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। अब आपके सामने पांडे जी कवि कुछ कविताएं प्रस्तुत करेंगे। मैं व्यग्र पांडे काव्य गोष्ठी में आप सभी कवियों का हार्दिक अभिनंदन एवं नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं इस काव्य गोष्ठी का आरंभ हमारे वयोवृद्ध कवि कृपा शंकर जी कवितों को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी नववर्ष पर प्रतिनिधि रचना सुनाए। नववर्ष के उपलक्ष में नवराग है, उमंग है, स्वीकार ये आ रही खुशियों भरी तरंग है। क्या बात है, गुल की तरह महकिए, बुलबुल से चहकिए, खुशियों भरा रहे ये नववर्ष आपके लिए। नववर्ष आपके लिए नई साल एक दुल्हन सी खुशियां भरी डोली लाई है। नई साल एक दुल्हन सी खुशियों भरी डोली लाई है। हो रंगी नव आशाओं की यह हम सबको होली लाई है। नई साल एक दुल्हन सी खुशियों भरी डोली लाई। डोली में बहुत साज सजे हैं, जिनमें कई कई स्वर गूंजे हैं। जीवन में जैसे किसी ने हमको लोरी गा के सुनाई है। नई साल एक दुल्हन सी खुशियों भरी डोली लाई। प्रीत और संगीत मिला लें, आओ सबको गले लगा लें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब ये हैं भाई भाई। नववर्ष की शुभकामनाएं, दीप सिखासी अभिलाषाएं, बनी हुई यह दीपावली है। यह बहुरंगी रंगरेली है, सबके जीवन में छाई है। नई साल एक दुल्हन सी खुशियों भरी डोली लाई है। जीवन में जीवन का कैसा शुभ क्षण है, बैठे यहाँ अगणित गण कविगण है। काव्य गोष्ठी का आयोजन है, विवेक रश्मि में समायोजन है। प्रीतम वर्ष 2021 की देते बधाई है, देते बधाई है, देते बधाई है। नई साल एक दुल्हन सी खुशियों भरी डोली लाई है, खुशियों भरी डोली लाई। बहुत अच्छी और सुंदर रचना आपने पढ़ी, और मैं अगले कवि को आमंत्रित करूं कि अब तुम मिले हो नए नए, अब तुम मिले हो नए नए, साथ निभाना ढंग से। घिस घिस चली बीस दुनिया की खीज बन गई, घिस घिस चली बीस दुनिया की खीज बन गई। मैं हमारे अजय विद्रोही कवि को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी रचना करें। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। माँ भारती के चमन की हर कली खुश नसीब हो, माँ भारती के चमन की हर कली खुश नसीब हो। गुलाब सा महकता 2021 हो, कलरव पक्षी कलकल संहिता, कलरव पक्षी कलकल संहिता, बहते मंजर अविरल सजीव हो। गुलाब सा महकता 2021 हो। वसुदेव कुटुम्बकम की भावना से प्रतिबद्ध हो, वसुदेव कुटुम्बकम की भावना से प्रतिबद्ध हम। औषधि विकल्प हो, औषधि विकल्प हो, जिए सभी ना मरे कोई, जिए सभी मरे ना कोई, यह दृढ़ संकल्प हो, यह दृढ़ संकल्प हो। गुलाब का महत्ता 2021 हो। अर्थ को देने गति, मिटे गरीबी भुखमरी दुर्गति, अर्थ को देने गति, मिटे गरीबी भुखमरी दुर्गति। मजहबी फसादों से दूर, मजहबी फसादों से दूर, भाईचारा कभी हो। वर्ष गुलाब का महत्ता 2021 हो। शिक्षा संस्कृति संस्कार मजबूत और गतिमान हो, शिक्षा संस्कृति संस्कार मजबूत और गतिमान हो। राष्ट्र सर्वोपरि हो, राष्ट्र सर्वोपरि हो, हर वीर का सम्मान हो, राष्ट्र सर्वोपरि हो, हर वीर का सम्मान हो। और सामरिक ताकत हमारी,
आंतरिक ताकत हमारी दुनिया से 21 हो गुलाब का महकता 2021 हो बहुत बढ़िया गुलाब का महकता 2021 राम का महकता 2021 क्या बात है बहुत प्यारी रचना अजय विद्रोही ने सुनाई और मैं अगले कवि को सुनाने के लिए कि सुनते नहीं है कान कई बार मुख के प्रलाप को सुनते नहीं है कान कई बार मुख के प्रलाप को और सुन लेती क्यों फिर आंखें आहट मुस्कुराहट की। इन पंक्तियों के साथ महादेव जी गर्भ को मैं आमंत्रित करता हूँ वो अपनी रचना सुनाए। सभी साहित्यिक बंधुओं को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए हताश है तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत सुंदर। जो लिपटी हुई ये बेरिया समझना इनको वस्त्र तू इन बेरियों को गला के तू बना ले इन्हें शस्त्र तू तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए हताश है चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश जला के भस्म करो से जो क्रूरता का जाल है तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए हताश है तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन ये कंप कपाएगा अगर तेरी चुनर गिरी तो भूकंप आ जाएगा अगर तेरी चुनर गिरी तो ये भूकंप आ जाएगा तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी इन पापियों को हक नहीं जो ये ले परीक्षा तेरी। क्या बात जो ये ले परीक्षा तेरी खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है समय को भी तलाश। बहुत प्यारी महादेव जी ने सुनाई और तू नहीं होता ये पत्थर सिर्फ पत्थर रहता। क्या बात तू नहीं होता ये पत्थर सिर्फ पत्थर रहता तेरी चेहरे की चोटों ने उसे मूर्त बना दिया। चेहरे की चोटों ने उसे मूर्त बना दिया। इसी प्रकार शब्दों के पार की मनीष माना हमारे शहर के उदीयमान कवि को मैं आमंत्रित करता हूँ और वो नव वर्ष पर करता है। जी धन्यवाद आपका। नव वर्ष की सभी बंधुओं को शुभकामनाएं। नव वर्ष पर एक संचित की कविता शुभकामना प्रेषित करते हुए पढ़ रहा हूँ जिसका शीर्षक है नव वर्ष। नव वर्ष का हर्ष मनाए आओ मिलकर गीत गाएं। नव वर्ष का हर्ष मनाए आओ मिलकर गीत गाएं। चले हम बुजुर्गों की सीट पर आओ मिलकर गीत निभाएं। परिंदों ने घोंसले बनाए सूरजों ने नए उजाले बरसाए बिखराए। कोयल कुकी मयूर नाचा बादलों ने नए गीत बिखराए। आओ हाथ हमें आगे बढ़े बढ़ते जाएं। आओ हाथ हमें आगे बढ़े बढ़ते जाएं। रखे हम कदम वो हर कदम मुस्कुराए। मिलजुल कर हम प्रयासों से गुलशन को महकाएं। जगाए हम प्रेम भाव जो मुझे गोल गुनगुनाए। रोते के आंसू पहुँचे रूठों को हम मनाएं। आशाओं का ये दीपक द्वार पर उनके जलाएं। बहुत बढ़िया। हमारे शहर के गणमान्य कवि श्रीमान हनुमान जी मुक्त को मैं आमंत्रित करता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि कनखियों से देखने लगी सूरज की किरणें
कनखियों से देखने लगी सूरज की किरणें, लगता अब कोहरा ससुर बन के आ गया। क्या बात है, लगता अब कोहरा ससुर बन के आ गया। इन पंक्तियों के साथ हनुमान मुक्त अपनी रचना पर। धन्यवाद पंडित जी। नववर्ष 21 सबके लिए मंगलमयी हो, और जो पुराना वर्ष 20 में जीता है वैसा हमारा नववर्ष नहीं आए। नववर्ष शुभ हो, धूल में खेलती उस नन्ही सी बाला को। नववर्ष शुभ हो, धूल में खेलती उस नन्ही सी बाला को, जिसको जाना था इस साल शाला को। जिसको जाना था इस साल शाला को। नववर्ष शुभ हो। शहर से लौटी उस मजदूर इन मल्लू को कोसों चला था बल्लू, पकड़े उसके पल्लू को। नववर्ष शुभ हो। जान की बाजी लगा जो सीमा पर डटे हैं, उनको भी जिनके साए परिवारों से हटे हैं। नववर्ष शुभ हो। भूख से लड़ रहे उस भूख मिटाने वाले को, मतलब खानों को, शरद गरम वर्षा तक को कप कपाने वाले को नववर्ष शुभ हो। उन नन्नों को मुन्नों को निष्ठर और मिसो को यह बरस लीज गया जिनके वारिसों को नववर्ष शुभ हो। मंगल की कामनाएं। अब मैं हमारे शहर के बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार और विश्वनाथ पांडे, जिन्होंने हमारे पूरे हिंदी पांडे जी छोटी पत्र पत्रिका है, उनमें अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छे छप रहे हैं, आप बहुत अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं, जिनका है, और गंगापुर में हमारे भारतीय साहित्य पत्र के गति है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे विश्वनाथ पांडे और अपनी कविता नववर्ष पर पढ़ें। मैं सभी कविगणों को नववर्ष की शुभकामनाएं और मैं अपनी रचना आपके प्रति प्रस्तुत करता हूँ। हाँ जी, भाई साहब को सैंटे दे नववर्ष की शुभकामनाएं, और मैं जगर पांडे आपके समक्ष ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले चार पंक्तियाँ कि आँख रोती ही नहीं आँख हंसती भी है, आँख उजड़ती भी आँख बसती भी है, इन्हें देखा हमने प्यार की गजलें कैसे, कभी कभी ये आँखें तंग करती भी है। इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी एक प्रतिनिधि रचना नववर्ष पर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि अब की बार ये आँखें पीछे देखना नहीं चाहती, अब की बार ये आँखें पीछे देखना नहीं चाहती, ये जीभ बीते दिनों की दास्ता कहना, ये हाथ बेकाम परेशान सक्रिय होना चाहते, ये कदम चाहते हैं चलना जल्दी जल्दी, निकलना इस दायरे से बाहर, मन आतुर है पर भयातुर भी, छोड़ने को भी पाने को इसकी इस आस में जिस बात में आप खड़े हैं। कोई जरूरी नहीं है मेरा, सुनो नववर्ष पर कविता। अब की बार ये आंखें पीछे देखना नहीं चाहती, ये जीत बीते दिनों की दास्ता कहना, ये आज बेकाम परेशान सक्रिय होना चाहते, ये कदम चाहते हैं चलना जल्दी जल्दी,
निकलना दायरे से बाहर, मन आतुर है पर भयातुर भी, कूदने को 20 पाने को 21, इस आत्मे विश्वास में नववर्ष में हटेंगे अनिश्चितताओं के साए, फिर से बिखरेगी खुशियाँ, चहकेंगे दिन महकेंगी रातें, भूल कर पुरानी फिर बनेगी कहानी, हे 2021 तुम बनना सुहानी। तो गोष्ठी के अंत में सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, धन्यवाद।